तो भाई आप लोगों को याद होगा भाई सितंबर में एक सबसे ज्यादा बड़ी सीरीज लॉन्च हुई थी जो कि थी भाई एप्पल की तरफ से आने वाली आईफोन 15 सीरीज। तो हमने भाई आपको पता होगा 15 प्रो ले लिया था और किडनी अपनी दांव पे लगा दी थी। खैर कि किडनी जो खराब हो गए, मैंने अपनी नहीं लगाई थी, मैंने लगाई थी रवि की, इसलिए रवि गायब है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन इस बार यार मेरे को था कि भाई थोड़ा छोटा फोन इस्तेमाल करते, क्योंकि मैं हमेशा से प्रो मैक्स सीरीज यूज करता रहा था। मुझे था कि भाई इस बार छोटा फोन ट्राई करेंगे, तो फिर मैं गया था भाई हांगकांग नवंबर के अंदर और मैं लेकर आया वहां से भाई 15 प्रो, वो भी बहुत ही क्रेजी प्राइस के अंदर। मेरे को वो फोन बहुत ज्यादा सस्ता पड़ा था, इंडिया से अराउंड 45 सस्ता। जब से मैंने उस फोन को लिया अब तक मैं उस फोन को चला रहा हूं और आज आपको बताने वाला हूं एक्चुअल रिव्यू 15 प्रो का ये कैसा है। और ये वाला जो कलर हमारे पास है ये है नेचुरल टाइटेनियम। जी हां, मैंने जो है नेचुरल टाइटेनियम कलर लिया था हांगकांग से। तो भाई देखो ये जो रिव्यू है मेरा इस तरीके से होगा कि जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा इस फोन के साथ मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज स्टार्ट करूंगा भाई इस फोन के डिजाइन के साथ, क्योंकि वो एक बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है किसी भी फोन का, वो किस तरीके से होल्ड कर रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि लोग बोल रहे थे कि एप्पल का जो फोन है थोड़ा ड्यूरेबल भी कम है, मतलब टूट भी रहा है, मतलब काफी ज्यादा इसके ऊपर चीजें हो गई थी। सबसे इस बार टाइटेनियम की बॉडी यूज करी गई थी जो कि बोला जाता मतलब सही फील वैसे नहीं दे रही। तो मेरा जो पर्सनल यूज रहा है इस फोन को यूज करते हुए ये था कि फोन देखो फील तो अच्छा होता है, स्टर्डी होता है, लेकिन अगर आप लोग इसे स्टेनलेस स्टील वाले से कंपेयर करते हो ना तो स्टेनलेस स्टील वाला मॉडल अभी भी ज्यादा सुपीरियर और ज्यादा प्रीमियम लगता है, उसकी जो शाइनिंग पार्ट है वो ज्यादा अच्छा लगता है। बट ये काइंड ऑफ ये वाला भी आप लोगों को ना जब इसको यूज करोगे तो अच्छा लगने लग जाएगा, और जब आपने भाई लाख रुपए खर्च कराओगे तो आपको सब चीज अच्छी लगेगी। मेरे पास प्रो सीरीज के दोनों स्मार्टफोन जैसे कि 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स, ये वाला जो है नेचुरल टाइटेनियम कलर है और ये वाला व्हाइट कलर है। तो आप लोगों को यहां पे साइड बाय साइड कंपैरिजन दिख जाएगा कितना है, और मैं सच बताऊं तो इन हैंड फील जो है ना सच में अगर देखा जाए तो दोनों की काफी सिमिलर है। लेकिन जब मैं प्रो यूज कर रहा था मैंने एक चीज नोटिस करी यार, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब इसका जो साइज बनाया है ना एप्पल ने सच में यार बहुत सही सोच के बनाया है कि भाई लोगों को ये कंफर्टेबल लगे हाथ में और उसको ज्यादा लंबे समय तक फोन को यूज कर सके। बिकॉज जब मैं प्रो मैक्स अपना यूज करता हूं भाई बहुत बड़ा ईंट जैसा लगता है, एंड काफी सालों बाद मैंने कोई ऐसा छोटा फोन यूज करता है। लिटरली मैं बता रहा हूं मेरे को ये फॉर्म फैक्टर इसका बहुत अच्छा लगा। वहीं पर अगर बात करें कोई भी ऐसे लाइक कलर्स के अंदर लाइक नॉर्मल स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि मैं इसको कवर पर लगा ही रखा था। ऑब्वियसली भाई जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो आप कवर के अंदर ही फोन यूज करोगे, बात तो सही है, एंड उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बात करें भाई फ्रंट में, तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है 6.1 इंच का XDR OLED पैनल मिलता है, आपको पता ही वाली बात, तो और 120 हर्ट्ज की प्रमोशन डिस्प्ले सपोर्ट करता है। अब देखो यहाँ पे ना भाई डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, डॉल विजन सपोर्ट करती है, HDR भी सपोर्ट करती है, कंटेंट वॉचिंग मस्त है, 2000 नट्स की पीक ब्राइटनेस है, LTPO आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, 1 हर्ट्ज तक डिस्प्ले चली जाती है। तो मतलब जितनी बेस्ट चीज हो सकती थी एप्पल ने इसमें लगा दी। अब यहाँ पे बेस्ट चीज लगाने के बाद होता क्या है कि आपको जो ऑप्टिमाइजेशन उस तरीके से करनी होती है। अब मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं इस फोन को यूज कर रहा था सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी इस फोन का मेजर कॉन जो मुझे लगा वो ये है कि भाई ये फोन अपने आप फ्रीज हो जा रहा था। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपने प्रो मैक्स में भी सेम चीज देखी और प्रो में भी देखी, भाई ये फ्रीज हो जाता है। और एक बार तो मेरा प्रो मैक्स में क्या हुआ कि भाई मैं यूज कर रहा था लिटरली भाई वो ब्लैंक हो गया, मतलब भाई मैंने स्क्रीन ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन ही नहीं हो रही है, जबकि फोन मेरे को रिंग्स आ रहे सब कुछ आ रहे हैं, ऐसा लगा भाई डिस्प्ले उड़ गई। पासवर्ड डाल दिया, अनलॉक भी हो गया, ऊपर देख सकते हैं आप। लेकिन भाई फोन जो मैं बटन दबाता रहा मैंने लाइक ऐसे हार्ड दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश करी, भाई फोन एकदम से दोबारा ऑन हुआ, रिस्टार्ट हो गया। जब भाई जान में जाना है कि हाँ भाई पैसे बचे हैं, क्योंकि भाई ये वाला फोन मैंने इंडिया से लिया था और 1,80,000 रुपए का है, थोड़ा सा डर लगता है। एंड एक बार ये फोन के अंदर इतना खतरनाक ग्लिच था कि भाई ये फोन पूरा फ्रीज होगा, उसमें डबल नॉच दिख रही है। मतलब इस फोन के अंदर इतने ज्यादा बग्स और ग्लिचेस थे ना मैं क्या बताऊं, मतलब आज भी है कभी कभी मुझे फेस होते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई प्रो मैक्स में, दोनों ही मॉडल में मैंने दोनों में ही फेस करी चीज की फ्रीजिंग प्रॉब्लम है ही, और फोन कभी बार अपने आप ही पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है। तो ये चीज है। सेकंड कॉन इस फोन का वो था भाई इस फोन के अंदर मेजर हीटिंग होती है। हाँ भाई मैं चाहे 15 प्रो यूज करूं 15 प्रो मैक्स करूं भाई ये दोनों ही गर्म हो जाते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं भाई कल रात को जैसे मैं नॉर्मली फोन पैसे तो बहुत ज्यादा बार हुआ है ये सेम चीज, लेकिन लेटेस्ट की बात है कल की, मैं लिटरली फोन को छोड़ के सोया हूं और भाई मैं सुबह उठा पता नहीं भाई अपना भी गर्म हो रखा है। ऐसा लग रहा भाई ये तवा क्यों बना हुआ है सुबह, मुझे पता ही नहीं। बैकग्राउंड टास्क बंद है, स्लीप मोड में फोन, फिर भी भाई इतना गर्म हो रहा पता नहीं क्या हो गया था। जबकि इसमें भाई दोनों फोनों में A17 प्रो चिपसेट मिलता है नया, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एप्पल ने जो iOS 17 है उसको इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करा जिस वजह से दिक्कतें आ रही है। तो ये फोन है, अरे नहीं मैं 15 प्रो मैक्स नहीं यूज कर रहा, 15 प्रो कर रहा हूं, तो इसलिए वो गलती से हाथ में था, मैंने ध्यान दिया। जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी मैंने फेस करी है भाई इन फोन से, और ये दो मेजर जो चीजें हैं ना हीटिंग और ये जो लाइक लैग करता है फोन, लैग तो नहीं बोलूंगा स्टटर और एकदम से फ्रीज हो जाता है, ये बहुत दिक्कत है। और कभी कभार तो भाई मैं अपने फोन को जेब से निकालता हूं, मतलब जेब में रखा हुआ है मैंने फोन निकाला और भाई मैं पावर बटन दबा रहा हूं फोन ऑन ही नहीं हो रहा है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ, एक बार नहीं ऐसी बात नहीं कि एक ही बार होकर खत्म हो गया। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखती है भाई 15 प्रो लेने से पहले। और ये ऐसी बात नहीं कि भाई हमने बस 15 प्रो में देखा होगा, भाई पिछली बार मैंने 14 प्रो मैक्स लिया था और वो फोन तो भाई लेते के सामने 2-4 दिन बाद ही हमारे साथ सीन हो गया था, वो फोन नहीं मतलब फ्रीज क्या उड़ ही गया था, उसकी डिस्प्ले गायब है, बट फिर वो दोबारा से अपना रिस्टार्ट हो गया। मेरे पास वो वीडियो होगी, मैं बोलूंगा कि वो प्ले करके दिखाना आप लोगों को, लिटरली 14 प्रो में भी हुआ है, अब मिलता ही नहीं है पता नहीं कहां है। तो मतलब ये एप्पल के अंदर दिक्कतें रही है हमेशा से, बट 15 प्रो के अंदर थोड़ी ज्यादा दिखे मुझे, 14 प्रो में बस एक बार हुआ, उसके बाद आज तक कभी नहीं हुआ। फोन मेरे पास आज भी और आज भी परफेक्ट चल रहा है। अब बात करते हैं भाई चलो अच्छाइयों की फोन की, मुझे फोन के अंदर क्या अच्छा लगा। सबसे पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो है भाई USB टाइप सी, इस फोन के अंदर भाई फाइनली टाइप सी ऐड कर दिया, और भाई वन ऑफ द फेवरेट थिंग है मेरी ये, क्योंकि मेरे गाड़ी के अंदर मेरे पास सिर्फ एक केबल है मेरा, चाहे वो फोल्ड हो, मैं सेकंड फोन यूज करता हूं मेरा फोल्ड है, और मेरा जो मेन 15 प्रो है, तो भाई दोनों को भाई साथ बाय साइड चार्ज कर लेता हूं एक ही केबल से, भाई ऐसा लगता है मजा आ गया पूरा। तो ये बेस्ट चीज है।
जो टाइप सी है वो बहुत अच्छी है। साथ ही में सेकंड चीज जो मुझे इस फोन की पसंद है वो इसके स्पीकर्स। भाई सच बता रहा हूँ आपको, जो क्वालिटी मिलती है इसके स्पीकर से वो नेक्स्ट लेवल। आप चाहे गाना कभी भी सुनो, कहीं पर भी सुनो, आपको जो एक क्लैरिटी जो मिलती है ना, एक आपको फील होता है कि हाँ भाई आपने एक महंगा स्पीकर फोन में लगा रखा है वाली फील आपको पूरी आएगी। तो ये फोन इस मामले में तो अच्छा है। अब हमने ना देखो यार, इस फोन से गेमिंग भी करी है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो A17 प्रो चिपसेट मिलता है इसके अंदर, हमने गेमिंग में थोड़ी बहुत चीजें, तो गेमिंग का तो सही चलता है। लेकिन गेमिंग में हमने चेक करा, अगर गेमिंग के साथ साथ पीछे कॉल पे रहते हो ना, फोन गर्म होने लग जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट हाँ, फोन वैसे अभी ठंड है तो वो भी गर्म हो रहा है, हल्का हल्का वार्म हो जाता है। और 15 प्रो मैंने गर्म वाली चीज ज्यादा देखी, मेरा 15 प्रो मैक्स गेमिंग में नहीं गर्म हुआ इतना। और अगर बाकी परफॉर्मेंस की डिटेल पे जाएंगे तो परफॉर्मेंस फोन की नो डाउट बहुत अच्छी है। जो ओवरऑल आप कहते, जब मैं रॉ फोटोज पे क्लिक करता हूं तो उसमें हमारे लाइक सीपीयू का भी बहुत ज्यादा एक मेजर रोल होता है, तो उसके अंदर फोटोज काफी ज्यादा जल्दी से सेव कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड मैंने ज्यादातर फोटो इससे रॉ में ही खींची है, और रॉ में इसकी फोटोज क्रेजी आती है, वो आगे चल के बताता हूं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है फोन की, चाहे मैं 15 प्रो मैक्स की बात करूं, 15 प्रो दोनों में तगड़ी मिल रही है। और साथ ही जिसकी हैप्टिक मोटर है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, और उससे कोई दिक्कत आएगी। और ऊपर से इस बार एक्शन बटन यहाँ पे ऐड कर दिया। आप सच बताऊं, मेरा कोई भी ऐसे एक्शन बटन का कुछ हुआ नहीं। मैं नॉर्मली इसको यूज करता हूँ वाइब्रेट और वो साइलेंट फोन को करने में, और ज्यादा मैंने इसके एक्शन लिए नहीं, कुछ पता नहीं क्यों हो नहीं पाता। ऐसा लगता ही नहीं कि यार आईफोन एक्शन बटन यहाँ पे कस्टमाइजेबल, मतलब मेरे को पर्सनली लाइक यूज में नहीं आया। बट हाँ, यूजफुल है काफी लोगों के लिए, बट मैंने इसे यूज नहीं करा। और हाँ, वैसे चलता बढ़िया, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात करते हैं सबसे मेजर चीज की, वो भाई कैमरा। तो इस बार भाई 48 MP का हमारे मेन कैमरा देखने मिलता है, 12 MP हमारे अल्ट्रा वाइड मिलता है, और 12 MP यहाँ पे टेलीफोटो देखने मिल जाता है, दोनों 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है भाई फोटोज जो आ रही है भाई रॉ के अंदर, भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने हांगकांग में फोटोज क्लिक करी, मैंने दिल्ली में क्लिक करी, मैंने अलग अलग जगह जाके, भाई जो फोटो इससे आती है वो भाई नेक्स्ट लेवल आती है। अब नेक्स्ट लेवल कैसे आती है मैं ये बताता हूँ। अगर आप वैसे नॉर्मली देखोगे तो आज भी एप्पल की वो स्किन टोन जो होती है जीप सी काली करने वाली, वही आती है। लेकिन अगर आप लोग रॉ फोटो क्लिक करो और उसे लाइट रूम में डाल के थोड़ा सा ट्वीक करते हो, एडिट कर देते हो, तो भाई जो फोटोज निकल कर आती है सामने वो बहुत क्रेजी है। मतलब जो इसका रॉ डेटा है ना, बेसिकली आईफोन जो इस तरीके से रॉ डेटा कैप्चर कर रहा है, वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। जिस वजह से आपको जो फोटोज मिल रही है, एंड रिजल्ट मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये चीज मैंने हर जगह नोटिस किया। और बाकी अगर वीडियो सेक्शन की बात करते हैं, 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है फोन बहुत इजीली। और साथ ही में एक्शन मोड देखने मिलता है आपको इस बार फोन के अंदर, एक्शन मोड के अंदर और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है वीडियो आपकी। साथ ही में इसमें आपको मिलता है सिनेमैटिक मोड, जिसमें 4K 30fps का ऑप्शन अब ऐड हो चुका है। मतलब छोटी छोटी चीजें जो इस फोन को बहुत ज्यादा बेटर बनाती है। और साथ ही मैंने जो नोटिस किया, जो मेरे को पर्सनल फील होता है, वो ये कि कैमरा वाइज ये वाला जो लाइक फोन बनाया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर से भाई इस बार फोन के अंदर आप लोग लॉक के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं लिटरली जब अभी हांगकांग गया था, मैंने वहां पे लॉक के अंदर वीडियो रिकॉर्ड की, एंड जो हमारे को डायनेमिक रेंज मिली है उसके बाद भाई वो नेक्स्ट लेवल है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्रेजी अमाउंट ऑफ डायनेमिक रेंज कैप्चर करता है। अगर आप लोग एप्पल लॉक में शूट कर रहे हो और उसको अपने लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालने के बाद आप उसमें कंट्रास्ट ऐड कर रहे हो, सैचुरेशन ऐड कर रहे हो, अपने हिसाब से आप लोग कलर्स एडजस्ट कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। इवन ये जो चीज है, आप अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकोगे लॉक को, और आप लोग टेलीफोटो में भी शूट कर सकते हो लेंसेज में बेसिकली, तो ये अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पे ना इन्होंने डाल दिया था एक सॉफ्टवेयर के थ्रू 28mm 32mm वाला जो फीचर, वो पर्सनली मैंने इतना यूज नहीं करा है। मैं नॉर्मल मेजर वाले कैमरा से ही फोटो क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ही अगर मैं क्रॉप करना हो, जूम इन करना हो, मैं उसे कर लेता हूँ, वो ठीक रखता है मेरे को। मैंने कभी इसे पोर्ट्रेट नहीं खींचे, मेरे को पोर्ट्रेट खींचना पसंद है, बिकॉज अब लाइट रूम के अंदर ना एक फीचर ऐड हो गया जिससे कि आप लोग ब्लर ऐड कर सकते हो, तो मैं रॉ के अंदर जाके वो चीजें कर लेता हूँ। तो कैमरा सेक्शन में फोन मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। अब बात करते हैं बैटरी। तो बैटरी का सिस्टम ये कि भाई मैं अपने फोन को लाइक अगर आप देखोगे तो मेरे जो स्क्रीन ऑन टाइम वो 10-10 घंटे का है, और मेरे को फोन जो 10-10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है अगर मैं 100% बैटरी पे लेकर चल रहा हूँ फोन को, तो ये अच्छी चीज है कि फोन में एटलीस्ट आपको 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। बट डिपेंडिंग ऑन द यूजेज आपको ज्यादा मिल सकता है। मेरी यूजेज कुछ ज्यादा ही है, मैं हैवी टास्क भी करने जाता हूँ, अगर गेम भी खेलता हूँ थोड़ी बहुत, तो उससे बैटरी ड्रेन हो जाती है। बट नॉर्मल फोन आपको 10 घंटे का स्टोरी देगा, जो कि बहुत सही है। लेकिन आज भी ये फोन भाई कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, जिससे कि हमारे कैसे दुख हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग इस फोन को चार्ज पे लगाओगे उसके बाद जो आपको दुख दर्द होंगे वो भाई नेक्स्ट लेवल है, दिल से लगता है भाई। तो फोन देखो भाई अच्छा है, लेकिन अभी भी ना iOS 17 के अंदर रिफाइनमेंट की हमारे जरूरत लगती है मुझे पर्सनली। वो थोड़ी चीजें जो ग्लिचेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो आज भी है, इसमें प्रोसेस्ट करते हैं। और साथ ही में एप्पल के अंदर भाई आजकल iOS 17 के बाद थोड़ा सा दिक्कत हुई है, तो मैं चाहूंगा कि भाई एप्पल वैसे तो वीडियो नहीं देख रहा, लेकिन हाँ फिर भी जल्दी जल्दी अपडेट्स के थ्रू फिक्स हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो बस यार मुझे बड़ा पसंद आया वाला फोन 15 सीरीज, बट मैं भाई होप कर रहा हूँ 16 जो आएगी नेक्स्ट ईयर उसके अंदर और ज्यादा अपग्रेड्स और ज्यादा चेंजेस होंगे तो अच्छा लगेगा। और कलर्स का ऑप्शन थोड़े ज्यादा बढ़ा दो यार, अच्छा लगता है। तो बस यार यही थी वीडियो। अगर आपको वाला रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।